Good morning, student. Today we will continue our same chapter मालगुड़ी क्रिकेट क्लब सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो. अभी तक हमने देखा था कि यहाँ पर जो फ्रेंड्स हैं वो ये सोचते हैं कि बहुत ही आसानी से, पहले तो उनको लगा कि हम क्रिकेट टीम बनाएंगे और हम सारे संसार से फिर क्रिकेट खेलेंगे और जीतेंगे. ऐसा उनके मन में कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि बहुत ही सिंपली हम टीम बना लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे, ऐसा उनको लग रहा था. लेकिन उसके बाद जब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उनको ये फील होता है कि नहीं, गवर्नमेंट टैक्स देना होगा, यूनिक नेम्स देने से लेकर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको धीरे धीरे नज़र आने लगती है. अब हम देखते हैं, दे सेट राउंड राजम्स टेबल. अब वो राजम के टेबल के पास में बैठ जाते हैं, उसके चारों तरफ टेबल के, इन हिज रूम. मानी हेल्ड बिफोर हिम अ लिस्ट, अ कैटलॉग ऑफ मेरस बीन्स. अब मानी जो है वो एक कैटलॉग एक सूची होती है, उसको ले आते हैं मेसर्स बीन्स की जो ये कैटलॉग है, इसमें वो स्पोर्ट्स के सारी चीज़ों के बारे में रहता है. द शॉप फॉर स्पोर्ट्स गुड्स, जो कि स्पोर्ट्स के जो भी गुड्स हैं, जो भी सामान, उसके लिए बहुत अच्छी शॉप है. ही रीड जूनियर विलियर्ड्स बैट 7-8 मेड ऑफ फाइन सीजन वुड यूज्ड बाय कैम्ब्रिज जूनियर बॉयज 11. अब वो यहाँ पे पढ़ता है कि जूनियर विलियर्ड्स के जो बैट 7-8 हैं मेड, और जो कि बनाए गए हैं बहुत ही अच्छे फाइन सीजनल वुड से, सीजनल जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे बनी हुई हैं, यूज्ड बाय कैम्ब्रिज जूनियर बॉयज 11 के जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं. लेट मी हैव अ लुक एट इट, मुझे थोड़ा इसे देखने दो, सेड राजम ऐसा कहता है. अब यहाँ पे एक दृश्य है कि कैटलॉग में सारे फ्रेंड जो हैं वो लगे हुए देखने में. ही बेंट ओवर द टेबल एंड सेड सीम्स टू बी अ फाइन बैट. थोड़ा सा यहाँ पे राजम जो है वो झुकता है और यहाँ पे वो देखता है और कहता है सारे बैट, यहाँ पे राजम है, बोलता है कि मुझे भी देखने दो. उसके बाद देखते हैं हम, ही बेंट ओवर द टेबल, टेबल पे झुकता है एंड सेड सीम्स टू बी अ फाइन बैट, अच्छा बैट दिख रहा है. हैव अ लुक एट इट स्वामी, स्वामी इसे देखो, इस बैट को देखो, ये अच्छा लग रहा है, ऐसा राजम कहता है. आगे हम देखते हैं, स्वामीनाथन क्रेन्ड हिज नेक एंड अग्रीड विद दैट इट वॉज अ फाइन बैट. तो स्वामीनाथन अपनी गर्दन आगे निकाल के कहते हैं हाँ हाँ ये अच्छा है, बट इट वॉज डिस्क्रीट, लेकिन ये एक डिस्क्रीट थी, डिस्क्रीट इनफ टू से, डिस्क्रीट मतलब केयरलेस, तो बहुत ही केयरलेसली वो बोलता है, इट लुक्स लाइक द अदर बैट इन द कैटलॉग, जैसा अलग जो बैट्स यहाँ कैटलॉग में दिए हैं, अदर जो बैट्स हैं दूसरे बैटों जैसा ही ये भी दिखता है, अच्छा है. मानी इज लेफ्ट हैंड शॉट, मानी जो है अपना लेफ्ट हैंड का एक शॉट आउट थोड़ा सा बाहर निकालता है, अपना लेफ्ट हैंड आगे करता है एंड हेल्ड हिज नेक, और उसकी गर्दन पकड़ता है स्वामीनाथन की, और उसे दबाता है एंड प्रेस्ड हिज फेस क्लोज टू द पिक्चर ऑफ द बैट, और बैट के पिक्चर्स के पास में उसके फेस को ले जाता है. व्हाई डू यू प्रिटेंड टू बी अ क्रिकेट प्लेयर, तुम ऐसा क्यों दिखावा करते हो, प्रिटेंड करना मतलब दिखावा करते हो कि तुम एक क्रिकेट अच्छे क्रिकेट प्लेयर होगे. If you cannot see the difference between junior billiard and other bats, अगर तुम्हें junior billiards और other bats में difference करना ही, अलग अलग difference पहचानना ही नहीं आता, तो तुम ऐसा दावा क्यों करते हो कि तुम अच्छे cricket player, तुम एक cricket player बनोगे. स्वामी आई एम ashamed टू find you knowing so little about billiard junior. अब आगे जो है राजम कहता है कि स्वामी मुझे शर्म आती है तुम पे कि तुम विलियर्ड जूनियर जो बैट है उसके बारे में इतना थोड़ा जानते हो, इतना कम जानते हो. वी हैड अबाउट डजन विलियर्ड्स जूनियर्स व्हेन आई वाज इन बिशप वेलर्स. अब वो आगे कहता है कि जब वो बिशप वेलर्स पहले जहाँ स्कूल में था वहाँ पे एक दर्जन बैट्स थे विलियर्ड जूनियर्स की. ओह व्हाट बैट, आगे वो कहता है वाह क्या बैट था वो. देर आर एक्चुअली स्प्रिंग्स इनसाइड द बैट, ऐसा लगता है कि जैसे वास्तव में इन बैट्स में स्प्रिंग इसके अंदर लगे हुए हैं, सो दैट व्हेन यू टच द बॉल इट फ्लाइज, कि जैसे ही तुम बॉल छूटो इन बैट्स तो गेंद जो है वो उड़ने लगती है. देर इज़ फाइन सिल्क कॉर्ड वाउंड राउंड द हैंडल, हैंडल के इर्द गिर्द फाइन सिल्क कॉर्ड्स लगे होते हैं. You don't know anything, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, and yet you talk, और लेकिन उसके बाद भी तुम कुछ नहीं जानते हो तो भी तुम बात करते हो. Show me another bat, तुम मुझे दूसरा बैट दिखाओ which has silk cord, जिसमें silk cord लगे हुए हैं, and springs like, और springs जैसे विलियर्ड जो बैट्स हैं उसमें ऐसा लगता है कि उसके अंदर स्प्रिंग लगे हों, तो वैसा जो बैट लगे जो कि जिस जो एकदम फाइन हो, अच्छा हो, उसी के जैसे जो दूसरे बैट्स हैं वो मुझे दिखाओ. There was a pause, थोड़ा सा सब रुकते हैं, and after that
दैट राजम सेड नोट इट डाउन स्वामी, उसके राजम जो है कहता है, वो कहता है नोट करो स्वामी से, स्वामीनाथन नोटेड डाउन ऑन अ पेपर वी लॉर्ड जून ईयर बैट, अब उसने बैट के नेम को नोट कर लिया, एंड लुकिंग अप आस्ड हाउ मेनी, उसके बाद देखते हुए उसकी ओर बोला कि कितने चाहिए, से थ्री विल दैट डू मानी, कहता है कि तीन सही है मानी, वाई वेस्ट अवर वेस्ट मनी ऑन थ्री बैट्स, तो यहाँ पे आगे कहते हैं कि तीन बैट पे पैसे क्यों खर्च करना, वेस्ट करना, बर्बाद करना, टू विल डू, दो बैट काफ़ी हैं, बट सपोज़ वन ब्रेक्स इन द मिडिल ऑफ द मैच, लेकिन सपोज़ करो राजम कहता है कि अगर जो मैच के बीच में ही अगर एक बैट टूट गया तो डू यू सपोज़ वी आर गोइंग टू सप्लाई बैट्स टू आवर ओपोनेंट्स, यहाँ पे मानी कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग बैट्स जो हैं वो ओपोनेंट जो हमारे विरोधी पार्टी के जो लोग हैं अदर टीम हैं हम उनको भी बैट जो है वो सप्लाई करने जा रहे हैं, दे विल हैव टू कम प्रोवाइडेड विथ बैट्स, उन्हें अपने बैट्स के साथ ही आना होगा, वी मस्ट मेक इट क्लियर, हमें ये क्लियर कर देना होगा कि वो अपने बैट्स लेके आएंगे खेलने, इवन देन इफ़ आवर बैट्स ब्रेक वी मे हैव टू स्टॉप प्लेइंग, और यहाँ तक कि अगर हमारे बैट टूट जाते हैं तो भी हमें भी रुकना पड़ेगा खेलना, खेल को हमको रोकना पड़ेगा, टू विल डू, दो बैट काफ़ी हैं राजम, अनलेस यू वॉन्ट टू वेस्ट मनी, जब तक कि तो अगर तुम पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते तो दो बैट काफ़ी हैं, राजम एंथुसियाज्म वॉज ग्रेट, ही लेफ्ट हिज चेयर एंड सेट ऑन द आर्म ऑफ मानी चेयर, राजम जो है काफ़ी एक्साइटेड है, हैप्पी है, और वो राजम जो है मानी के जो कुर्सी के जो आर्म है चेयर के जो आर्म है उस पर जाके बैठ जाता है, चेयर ग्लोटरिंग ग्लोटिंग ओवर का मतलब होता है बहुत ध्यान से खुशी के साथ एक्साइटेड वे में किसी चीज़ को घूर घूर कर देखना, तो बहुत ही घूर कर वो पिक्चर को देखता है, ग्लोटिंग ओवर द पिक्चर्स ऑफ क्रिकेट गुड्स इन द कैटलॉग, कैटलॉग में जो क्रिकेट गुड्स की पिक्चर है उनको घूर घूर को वो काफ़ी ध्यान से देखने लगता है, स्वामीनाथन थॉट ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ बिट ऑफ अ हेरेटिक, अब यहाँ पे स्वामीनाथन सोचता है कि वो थोड़ा बिट ऑफ हेरेटिक है, हेरेटिक का मतलब समवन हु डिसएग्रीज विथ कॉमन ओपिनियंस एंड बेनिफिट, जो कॉमन सबकी राय हो उससे और बेनिफिट्स हों फ़ायदे हों उससे कुछ जो कोई डिसएग्री करता हो ऐसा यहाँ पर सोचता है कि ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ बिट ऑफ हेरेटिक, ऐसा वो सोचा जाता है, कॉट द एंथुसियाज्म एंड पर्स्ड ऑन द अदर आर्म्स ऑफ द चेयर, वो भी एक्साइटेड है और वो भी दूसरे जो चेयर के दूसरे आर्म है उस पर जाके बैठ जाता है, ऑल द थ्री डिवोर्ड, तीनों के तीनों जो है डिवोर्ड का मतलब लालच से खाना या देखना, तो तीनों लालच से देखते हैं विद देयर आइज द ग्लॉसी पिक्चर्स ऑफ क्रिकेट बॉल्स बैट्स एंड नेट, जो चमकदार पिक्चर्स थी क्रिकेट बैट की बॉल्स की नेट्स की वो सब देखते हैं काफ़ी ध्यान से, इन अबाउट एन आवर दे सेलेक्टेड फ्रॉम द कैटलॉग देयर टीम्स रिक्वायरमेंट, एक घंटे में उन्होंने टीम के रिक्वायरमेंट्स की जो चीज़ें हैं उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड देन केम द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द होल अफेयर, अब इसके बाद बहुत ही कठिन काम इसमें से इन सारे मामले में सबसे कठिन काम उनके सामने आता है और वो होता है एक लेटर लिखने का, अ लेटर टू मेसर्स बीन्स, एक मेसर्स बीन्स जो स्पोर्ट्स की गुड्स प्रोवाइड करने वाले जो शॉपकीपर हैं वो काफ़ी बड़े सेलर हैं, उनको लेटर लिखने का जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो उनके सामने आता है, जो कि इनके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन था जिससे कि ये ऑर्डर कर सके, गुड्स को मंगा सके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड अप टू दिस पार्ट इन दिस वीडियो, नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द आवर थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज़ रीड दिस चैप्टर टुडे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड आफ्टर इट वी विल कंटिन्यू अगेन इन द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो.